नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में, जहां आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जम्मू कश्मीर के लिए यह रिक्रूटमेंट है, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कौन कौन से राज्य इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो कैंडिडेट्स हैं इसको जो भर्ती ये देख सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप अगर आप आर्मी के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आर्मी की तरफ से कोई भी अपडेट निकल के सामने आता है तो उसका अपडेट हमारे चैनल पे दिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और बताते हैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में। ये रहा मेरे पास नोटिफिकेशन। तो आपको बता दूं, अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 मराठा लाइट इन्फेंट्री की तरफ से ये जो रिक्रूटमेंट है वो निकली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टल ऑफिस की तरफ से ये रिलीज़ किया गया था। तो 16 अगस्त को ये जो नोटिफिकेशन है इसकी जो मतलब प्रेस रिलीज़ में की गई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तहसीलदार वगैरह भी लिखी गई है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ ये रिक्रूटमेंट किसके लिए है। तो यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं, पोर्टर्स के लिए ये भर्ती है, इंडियन आर्मी की ये भर्ती होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं मेन जम्मू कश्मीर में, उनके लिए ये भर्ती निकली है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एज एंड एजुकेशन की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे आपके 18 से लेकर 40 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिलोंग करती हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिंपल, आपको 8th पास चाहिए। और फिजिकल की इसमें बात की जाए तो आपके 40 सिटअप रहेंगे और 40 जो कि पुशअप्स रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर लूँ तहसील किन किन डिस्ट्रिक्ट के लिए और किन किन तहसील के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजौरी, नौशहरा और किला दराल के लिए। जी हाँ दोस्तों, किला दराल की जो 20 अगस्त को रैली होने वाली है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नौशहरा की जो रैली है वो 21 से 22 अगस्त होने वाली है, यानी कि कोई 4-5 दिनों के बाद आपकी रैली होगी। और रजौरी में जो कि 23 से 24 अगस्त के बीच में ये रैली चलने वाली है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया था, जो कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 8th पास कापी होनी चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका जो मतलब फ़ोटोज़ वगैरह आपके पास होने चाहिए, कम से कम 4-5 फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डिटेल में देख पा रहेंगे ये नोटिफिकेशन। अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूँ जो ये तहसील वाइज है तो इनके अलग से सेंटर्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना अपना एक 16 मराठा इन्फेंट्री का, जहाँ पे भी अपने एरिया में जो सेंटर है वहाँ पे अपनी रिक्रूटमेंट चलने वाली है। तो इसका भी मेरे पास एक ही पेज है, जो कि अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी का पेज अभी मेरे पास नहीं है। तो जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा। इसके और ही नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आती है। तो दोस्तों, जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। न्यू से न्यू आर्मी की भर्ती की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।